आज हमारे बीच प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ऑफ एबीवीपी राकेश देशवाल और जनरल सेक्रेटरी कैंडिडेट अविनाश यादव प्रेजेंट है, तो आइए करते हैं इनसे बातचीत। तो फिर कैसी चल रही है आप लोगों की कैंपेनिंग? बहुत अच्छी चल रही है, हम ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, हर एक बच्चे तक पहुंचा जा रहा है, क्लास टू क्लास एड्रेस चल रही है और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 24/7 और 365 डेज जो एक्टिव रहती है उसका आज हमें परिणाम मिल रहा है, आज इस टाइम एबीपी टॉप पे चल रही है। तो स्टूडेंट्स के बीच ऐसे आप कौन सा स्टूडेंट रिलेटेड इशू लेके जा रहे हो, लाइक क्या लेके जा रहे हो? कैंपस में जो बेसिक इश्यूज़ हैं, जो पिछले 10 साल से ना अलग अलग पार्टी जीती हैं, लेकिन जो बेसिक इश्यूज़ हैं वो आज तक वो भी रिजोल्व नहीं हुए। जैसे आप सेंटर प्लेसमेंट सेल है, पिछले 4 साल से वो बंद पड़ा हुआ है। साउथ कैंपस को आप देखोगे तो वहाँ शटल बस की अब तक सर्विस अवेलेबल नहीं है। टक शॉप भी अभी बनने जा रही है, क्योंकि जो एबीपी ने मेमोरेंडम दिया था उसका वो परिणाम है। जो कैंपस है साउथ कैंपस है, नॉर्थ कैंपस है, इनके अंदर फार्मेसी की शॉप नहीं है। जो हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, उनको बड़ी प्रॉब्लम आती है कैंपस से बाहर जाने में, क्योंकि ये तो बेसिक्स प्रॉब्लम्स है ना स्टूडेंट्स, मतलब हॉस्टल के रिलेटेड बहुत इश्यूज़ आ रहे हैं। क्या है, जैसे गर्ल्स का इशू है, सबसे बड़ा इशू है सिक्योरिटी का इशू। पिछले 10 साल से एक भी बार किसी भी सिक्योरिटी की वैकेंसी नहीं निकली है। तो इसमें हमारा एबीपी का यही है कि एबीपी इन्हीं चीज़ों पे फोकस कर रही है, स्टूडेंट्स तक पहुंच रही है। फी हाइक का मुद्दा था, उस पर भी एबीपी सिर्फ पहली स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने प्रोटेस्ट किया था और बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था। जैसा कि मैं यूआईटी डिपार्टमेंट से हूँ, यूआईटी डिपार्टमेंट में चारों मेंबर जीत गया है, लास्ट ईयर कोई भी नज़र नहीं आया। यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट माना जाता है, तो यूआईटी डिपार्टमेंट से सब ने ठान लिया है कि इस बार अगेंस्ट जो भी कंपटीशन है सबको हराना है। यूआईएलएस, यूआईटी, ग्लोस, सब चारों तरफ समर्थन मिल रहा है, इस बार एवीपी आने वाली है। तो इसमें आपको स्टूडेंट्स का क्या ऐसे रिस्पांस नज़र आ रहा है, क्या लहर नज़र आ रही है? स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि देखो उन्होंने हर पार्टी को एक बार मौका दिया, लेकिन वो पार्टी उनकी वादों पर खरी नहीं उतरी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पिछले 3 साल से दूसरे नंबर पे आ रही है, इस बार वो भरोसा जता रहे हैं कि जो 24/7 हमारे लिए हार के भी जो जीतने वाली पार्टी उससे ज़्यादा हमारे साथ खड़ी रहती है, तो इस बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को जिताने का फैसला लिया है। तो हमें ना आपके मैनिफेस्टो से पता लग रहा है कि इस बार आप विमेन एम्पावरमेंट को बड़ा सपोर्ट कर रहे हो, बट एक तरफ से ना हमें ये भी पता लग रहा है कि आप 24/7 हॉस्टल्स के टाइमिंग्स होने के खिलाफ हो, तो इसके पे आपकी क्या स्टेटमेंट है? देखो ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, क्या है लास्ट ईयर जब इलेक्शंस हुए थे उस टाइम भी हमारी बहनों के मन में ये भ्रम फैलाया गया था कि एबीवीपी अगर काउंसिल में आए तो हॉस्टल बंद करवा देगी। मैं आप लोगों को बता दूं, मतलब जब कोरोना के बाद जब हॉस्टल ओपन हुए थे ना, जो साउथ कैंपस है वहाँ के 8, 9, 10 और इंटरनेशनल हॉस्टल की जो टाइमिंग है वो घटा दी गई थी, लेकिन वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एबीवीपी थी। मैं आपको प्रूफ के साथ बता सकता हूँ, हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी हमने डाला हुआ है कि एबीपी ने वहाँ पे प्रोटेस्ट करके 24/7 हॉस्टल कराया था। तो इस बार भी ये लोग भ्रम फैलाने का काम करें, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के बीच जाते ही नहीं है, ये स्टूडेंट्स के इश्यूज सुनते ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के टाइम आते हैं। तो मैं आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी के हर एक स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनकी झूठ में मत आए, एक बार हमारा ऑफिशियल हैंडल पेज है उसको देखें और प्लीज़ इस बार एबीपी को एक मौका दे। मैम एबीपी एक इकलौता छात्र संगठन है पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसमें छात्राएं सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं। एबीपी छात्राओं के समर्थन में हमेशा से रही है और हमेशा से आगे करती आई है, हमेशा से मंच देती आई है, तो एबीपी छात्राओं के खिलाफ कभी हो ही नहीं सकती, ये टोटली भ्रम फैलाने की बात है। इनको समर्थन नहीं मिल रहा, बौखलाई हुई हैं पार्टियाँ, तो एबीपी के खिलाफ निगेटिव कैंपेन में लगी हुई हैं। तो चलो अविनाश जी, अगर आपसे बात की जाए, इस बार ना बड़ा कंपटीशन बड़ा टफ सा नज़र आ रहा है जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट पे, तो आपको क्या लगता है कि आपके क्या चांसेस हैं? और कंपटीशन तो है ही नहीं मैम, हमारे पास धमकियां मिल रही हैं, अगर इनके पास काम होता तो ऐसी धमकियां नहीं मिलती कि यूआईटी को 20 लाख में खरीद लेंगे। यूआईटी का छात्र समझदार है, यूआईटी के लड़कों के 20-20 लाख के तो पैकेज लगते हैं, इन्होंने ठान लिया है लाख रुपये फीस भरते हैं, 20 लाख में खरीद लेंगे। यूआईटी का छात्र 50 करोड़ में भी नहीं खरीद सकता, ये मेरा विश्वास है, वहाँ से इतनी लीड लेके आऊँगा कि नॉर्थ कैंपस में कवर भी नहीं होगी। चलो आपकी बातों से ऐसा लग रहा है आप किसी पर्टिकुलर पार्टी को टारगेट कर रहे हो, बट चलो जो भी है, कोई ऐसे मैसेज देना चाहते हो हमारे थ्रू हमारी ऑडियंस को? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के 16 के 16 हज़ार बच्चों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस बार इलेक्शंस में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, हर बच्चा वोट करने आए, और वोट डालते समय ना ये जरूर ध्यान रखें कि जिस कैंडिडेट को वोट डाल रहे हैं क्या वो कैंपस के अंदर अवेलेबल था, क्या उसकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन पूरा साल एक्टिव थी, क्या वो स्टूडेंट्स के मुद्दे उठा पाए हैं। तो मैं आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बार वोट डालने जरूर आना, और जो कैंडिडेट कैपेबल लगता है आप उसको वोट डालना। हमारा एबीपी से मैं प्रेजिडेंशियल कैंडिडेट हूँ, मेरा नाम राकेश देशवाल है, मैं यूएलएस डिपार्टमेंट से हूँ, हमारे जनरल सेक्रेटरी अविनाश यादव है वो यूआईटी डिपार्टमेंट से, और हमारे जॉइंट सेक्रेटरी गौरव चहल वो भी यूआईटी डिपार्टमेंट से, तो प्लीज़ हमारे पैनल को वोट डालना 7013। सभी स्टूडेंट से मैं भी अपील करना चाहता हूँ कि जो कैंडिडेट डिजर्विंग हूँ, मैं डिजर्विंग नहीं होता तो मेरे को वोट मत करना। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़
काम पे वोट देना और लोगों के बीच में जो एक्टिव रहा है पिछले 5 साल से, मेरा सोशल मीडिया वो पेज देख लेना आप, लगातार एक्टिव रहा हूँ। 15 दिन पहले नई नई पार्टी ने कैंडिडेट उतारे, केवल उनकी मेरिट पे वोट पड़े और मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ वोट करने जरूर आना और एक डिजर्विंग कैंडिडेट को चुनना। थैंक यू। तो गाइज आपको 6 तारीख के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।